हेलो फ्रेंड, अर्चना कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मसाला पास्ता, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिए हैं पास्ता और एक बारीकी कटी हुई प्याज और गाजर, शिमला मिर्च और दो हरी मिर्च, और पास्ता मसाला भी है यहाँ पे। तो एक बाउल हम में पानी डाल देंगे गैस ऑन करके। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे एक स्पून आयल, ताकि पास्ता उबलते समय एक दूसरे से चिपके ना। तो अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता तो 5 मिनट तक इसको हम उबालेंगे। तो इसमें उबाल आने लगा है अच्छी तरह से। तो 5 मिनट हो गया है, पास्ता अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से चिपकता नहीं है आपस में। और अब गैस ऑन करके मैं कढ़ाई रखूंगी और इसमें डालेंगे हम आयल। आयल गरम हो गया है तो हम प्याज कटी हुई और गाजर और शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक तो साथ में डाल देंगे हम पास्ता मसाला और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। तो 1 मिनट हो गया है, मसाला हम अच्छी तरह से चला लिए। अब इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस और डाल देंगे इसमें हम विनेगर। और ग्रीन चिली सॉस, तो इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इन सबको अच्छी तरह से मिला के हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे यहाँ पे। तो 1 से 2 मिनट हो गया है, अब हम पास्ता को डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो थोड़ा बचा हुआ जो पास्ता था उसको भी हम डाल देंगे।
पास्ता अच्छी तरह से बन गया है। अब मैं गैस को ऑफ करूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो पास्ता बनके तैयार हो गया है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों और बड़े को भी बहुत ही पसंद लगता है। तो ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा? रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।